How is this Khatri related to Sushant's death? Thank you for the divine guidance and blessing coming for this question. Unhealthy relationship. How is this guy? Resentment. How is this guy related to Sushant's death? How is this guy related to Sushant's death? Your need to be always right. Seven of Sword, Deceit, Devil. See, Devil फिर से आ गया है. So when we are talking about this guy, the Devil is also coming. So both the guys are related. Or this guy is in touch with the Devil. You know who the Devil is. They wanted to bring the sun shining on Sushant's life, turn it into a tower. Both the same places you got Queen of Swords. King of Cups aa gaya hai. Knight of Cups aa gaya hai. Six of Swords. Ten of Pentacles. Hanged man. Start with this guidance. The question that I have asked is, how is this person related with Sushant's death? Okay. तो center पे जो card आ गया है वो ये वाला card है. ठीक है. Ten of Wands का card है, यानी कि this person was responsible for Sushant's this condition. तो एक काफी burdened है सुशांत. यहाँ पे देखिए काफी एक प्रेशर में काम कर रहे हैं. ही इज वेरी टायर्ड. देर इज नो सपोर्ट अराउंड. और ये इंटेंशनली हो रहा था बिकॉज दिस इज एट द सेंटर ऑफ द थिंग. ये वाला आदमी काफी उनको प्रेशराइज कर रहा था, बर्डन कर रहा था. और आसपास आप देख ही रहे हो कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है. ही इज ओवरवर्कड, ही इज ओवरबर्डनड. बट स्टिल समहाउ बिकॉज वो बहुत ही वॉन्ड एनर्जी में रहते थे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जिसका काफी एनर्जी होता है, ओवरफ्लोइंग एनर्जी होता है, क्योंकि उनमें एक ऐसा फाइटिंग स्पिरिट था और अपना पैशन और एनर्जी तो था ही. शायद आप बोल सकते हो कि उसी के कारण एक सस्टेन कर रहे हैं और समहाउ ही इज मैनेजिंग, ही इज नॉट गिविंग अप एंड ही इज जस्ट गोइंग ऑन विद द नेगेटिविटी अराउंड, बुलिंग अराउंड. एक बुली का कार्ड है ये. एक बुली करके, उसको अलग करके, मजाक उड़ा के, कॉन्फिडेंस तो ब्रेक हो ही रहा है बट एक बुलिंग है काफी यहाँ पे. बट ही इज स्टिल कोपिंग विद एवरीथिंग एंड ही इज जस्ट ट्रजिंग ऑन. आप बोल सकते हो अपनी मंजिल की तरफ फोकस करके समहाउ ही वाज ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ टुगेदर इन स्पाइट ऑफ ऑल द बर्डन ऑन हिज हेड. ठीक है. और आप तो जानती हो कि किस तरह से उनके ऊपर गैंग अप किया गया था एंड ऑल. बट दिस गाय इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बुलिंग है. तो बुली कर रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे एक कार्ड रीजन है, देखिए बहुत ही एक विशियस बुलिंग है. एक सिंपल सा बुलिंग नहीं है. बुली इट बाय इटसेल्फ इज वेरी विशियस. और यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है. तो एक हाई लेवल ऑफ विशियसनेस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक से बुली किया जा रहा था उनको. सेवन ऑफ स्वॉर्ड है. देखो इसका एनर्जी काफी एक विशियस एनर्जी है, काफी एक डिसीट है यहाँ पे, एक धोखा है. और किसी का सामान भी यहाँ पे चुराया जा रहा है.
और एक धोखे से एक बिट्रेयल है, आप उसका सामान लेके चुरा के भाग रहे हो। तो और यहाँ पे मुझे एक ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ पे काफी एक बाकी सारे दिनों का और ओवरऑल तो इम्पैक्ट इन पे जो कर रहा था ये बंदा बाकी लोगों के साथ मिलके या उनका प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा था वो तो है ही, बट एक 14th का भी इसमें एलिमेंट है। और एक जो ये 7 ऑफ सॉर्ड है ये एक चुराने का कार्ड है, जहाँ पे आप किसी का सामान लेके भाग जाते हो, चुरा के भाग जाते हो, तो वो भी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 14 जून को या 13 जून को जो भी इन लोगों ने हुआ था उस दिन, काफी सामान को डिस्ट्रॉय करने में या फिर डिलीट करने में, डिजिटल डेटा को या फिर चुराने में इस बंदे का हाथ है ही। ओके, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड आज तक मैंने देखा नहीं है कि ज्यादा आया है, बट दिस गाय हैज कम, सो इज अ बिग टाइम रिस्पॉन्सिबल इन स्टीलिंग हिज समथिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द विशियस प्लानिंग और वो सब चीज तो उसने किया ही है। ऑल दिस रिजल्टिंग इन बुलिंग ऑफ सुशांत एंड ही फीलिंग वेरी अलोन एंड स्टिल ही इज जस्ट गोइंग ऑन फोकस्ड अपने इसके कारण। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया है। अब ये आइडिया किसका है? ये आइडिया है, ये एक आइडिया के तहत हो रहा है। दिस इज नॉट समथिंग जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लूज, समबडी इज दिस इज द क्रिएटिव आइडिया ऑफ समबडी। तो अब मैं ओरेकल कार्ड निकालूंगी। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज, हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो दिस इज अ आइडिया, ये एक आइडिया है टू बुली हिम एंड टेक ऑल हिज थिंग्स फॉर अ प्रॉब्लम दैट समबडी एल्स इज सफरिंग। तो ये गाइस शायद बाकी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ही हैज बीन हायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू समबडीज एल्स प्रॉब्लम। अब उसका क्या प्रॉब्लम है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये आप समझ गए हो ना कि ये सारा जो भी चीज कर रहा था एक सॉल्यूशन की तरह किया जा रहा था, एक प्लानिंग करके कर रहे थे ताकि एक सॉल्यूशन मिले एक प्रॉब्लम का। अब किसको प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, ये हम देखेंगे अभी। तो ऑल दिस बुलिंग इज हैपनिंग एज अ आइडिया, एज अ प्लान, एज अ विशियस प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ हु, डेविल। अब आपको पता है कि ये डेविल कौन है, ये और ये डेविल ऑर्गेनिकली इवॉल्व किया है हमारे रीडिंग में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमने रीडिंग किया है, हमने आर्च टाइप्स एस्टैब्लिश किया था, थिंकिंग मैन का, डेविल का, क्वीन ऑफ वॉन्स का एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए ये, और धीरे धीरे हमें पता चला जब हमने उसका जो गॉड चाइल्ड का जो रीडिंग किया, तो वहां पे हमें पता चला कि हाउ क्लियरली दिस गाय इज द डेविल। तो ये डेविल का प्लान है, ठीक है। तो दिस, और ये वाला बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों आके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोनों काफी एक दूसरे के दोस्त भी हैं, जैसा कि आपने फोटोज में देखा है भी है मैंने, और आपने भी देखा होगा कि ये लोग काफी दोस्त, एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ये दोनों एक कांस्टेंट टच में है। बाकी सारे लोग भी हैं बट दे आर नॉट ऑन वन विथ ईच अदर, वो थोड़े से डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ पे देखो तो थिंकिंग मैन भी आ गया है, पर यहाँ पे है, पीछे में है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ गए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, पर यहाँ पे दूर पे है। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, ये तीनों कनेक्शन बैठ रहा है, ये देखो ये तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। यानी कि ये जो आइडिया है और ये बंदा जिसका हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, ये जो राइट मैन, राइट हैंड है, और ये जो डेविल है, दे आर फ्रेंड्स, जो कि ये कार्ड्स भी एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया है, तो ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है। ऑल राइट, तो ये वाला सेंटर पे हो गया। दिस गाय वॉज इम्प्लीमेंटिंग द डेविल्स प्लान, जो कि डेविल उसका फ्रेंड ही है, और ही वॉज बुलिंग हिम एंड ये सारा चीज करना था, ठीक है। ऑल राइट, तो पास्ट में जाते हैं तो एक एम्परर आ गया है, एम्परर है यहाँ पे, और ये एम्परर ही इज अ क्वाइट काफी अपने फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा है, काफी दिन से है अपने हेल्म पे। ओके, ही इज अ एम्परर, यू नो ही इज वेरी, ही इज नो मोर, छोटा मोटा किंग नहीं है, लाइक किंग इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, बट दिस इज गाइस एम्परर, लाइक सुपरस्टार्स होते हैं ना वो, उस तरह का। तो यहाँ पे बैक ऑफ द पास्ट से ये आ रहा है, और ये इसका एक बैकिंग है
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं दूसरा कार्ड दिखाऊंगी इसका तो समझ में आ जाएगा कि ये है इसका रीजन। तो दिस इज द सेम गाय। अब ये इसके ये जो गॉडफादर का रीडिंग मैंने किया था, तो यहाँ पे आपको क्लियरली इस कार्ड के बारे में बताया था कि हाउ दीज पीपल लव कंट्रोलिंग ईच द अदर पीपल एंड हाउ दे वॉन्ट टू गिव चैरिटी बट दे डोंट वॉन्ट यू नो दे डोंट एक्सेप्ट पीपल कमिंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये वही वाला एनर्जी यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम एनर्जी यहाँ पे भी है। और ये बंदा अगर आप यहाँ पे देखते, कार्ड्स तो दिख नहीं रहा होगा, बट स्टिल ये दिस गाय इज कम्प्लीटली आईंग हियर। जो टेन ऑफ वॉन्स वाला एनर्जी है वहां पे सुशांत को ये आई कर रहे हैं। तो वीडियोस भी अभी वायरल हो रहा है कि हाउ दिस गाय इज कंटिन्यूअसली यू नो बुली कर रहा है और एक इग्नोर कर रहा है सुशांत को, और एक पैर लगा रहा है वो डांस कर रहे हैं तो, और साइन नहीं करने दे रहा है बोर्ड अपने बाकी सारे लोगों के साथ मिलके। तो वही चीज है, ही इज आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट ही इज कंप्लीटली आइंग हिम, अगर ऐसा देख सकते हो तो। ओके एक तिरछी निगाह से देखने वाला एटीट्यूड है यहाँ पे, और ये पास्ट से देख रहा, तो ये पहले है ये और ये बाद में है, तो इस काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि ये इस पे नजर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चीज है। तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वाला जो राइट हैंड का बात कर रहे थे, तो ये बैक में ये बंदा आ गया है, गॉडफादर आ गया, यानी कि जो राइट हैंड मैन जो गॉडफादर का है, ये वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम, द राइट हैंड मैन का जो ये सारा प्लानिंग है, जो ये बुलिंग है, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? पास्ट में आपका गॉडफादर आ गया है, तो दिस इज फ्रॉम वेयर दिस थिंग इज ओरिजिनेटिंग, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ऑल राइट, तो अब ये चीज हो गया है। अब कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे इट वॉज बेसिकली कि सुशांत का जो करियर था उसका बैलेंस बिगाड़ दो और वो आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। ये बहुत सा ये तो एक बेस कॉन्शियस लेवल पे इन लोगों का सबकॉन्शियस लेवल पे बेसिकली यही थॉट था कि उनका बैलेंस बिगाड़ के, उनका मेंटल स्टेबिलिटी का बैलेंस बिगाड़ दो, उनका एक फिजिकल स्टेबिलिटी बिगाड़ दो, उनका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगाड़ दो, कंटिन्यूअसली बुली करके, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके, स्ट्रैटेजिकली ब्रेक करके, ताकि उनका करियर आगे ना बढ़ पाए। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ एट अ सबकॉन्शियस लेवल, और ये बाकी सारे जगह पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बताती हूँ, एक तो ये बैक ऑफ द डेक पे कार्ड देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक सेवन ऑफ सॉर्ड आ गया है, एक विशियस कार्ड है, और यहाँ पे देखिए मजिशियन का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। तो एक मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे है। ओके, दिस गाई इज अ मैनिपुलेटर, ही इज द पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अ एजेंडा। दिस गाय इज केपेबल, इज अ वेरी केपेबल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एक लिंक नेटवर्क, वेल नेटवर्कड है, वेल लिंक्ड है, पावरफुल लोगों से कनेक्शन है इसका, खुद भी शायद पावरफुल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैन है जो भी है, तो डेफिनेटली इज अ पावरफुल गाय, काफी रिसोर्सफुल है, बट ही इज यूजिंग ऑल हिज रिसोर्सेज, ऑल हिज पावर फॉर अ रॉन्ग पर्पज, टू बुली समबड़ी, जैसा मैंने बताया आपको, टू बुली समबड़ी, टू स्टील समबड़ीज थिंग, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम सम वेरी पावरफुल सुपर पावर सुपर स्टार की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है, और एक डेविल तो है ही जो कि ये प्लानिंग्स बना रहा है, ठीक है। ये डेविल हमेशा प्लान करता है, इफ यू सी दिस यूरोप टूर वॉज ऑल्सो प्लान बाई दिस डेविल, और यहाँ पे भी ये सारा चीज हैंड इन ग्लव ये राइट हैंड मैन के साथ यही कर रहा है, तो ये काफी प्लानिंग करता है ये बंदा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज हियर, तो वो चीज है। और एक यहाँ पे जो इसका अपना एटीट्यूड क्या है, हाउ इज दिस गाय रिलेटेड विद सुशांत डेथ, तो एक सन जो शाइन हो रहा है उसको उस पे एक बिजली गिराने का इसका एटीट्यूड था, ये एटीट्यूड वाला कार्ड है। तो द होल सन दैट वॉज शाइनिंग इन सुशांत लाइफ, सुशांत करियर, बेसिकली दे वॉन्टेड टू डिमोलिश हिज फाउंडेशन। ओके, तो ये वाले एटीट्यूड से ये सुशांत के लाइफ में था, उसके डेथ में इन्वॉल्व था। द होल आइडिया वाई ही वॉज इन सुशांत लाइफ, वाई ही किल्ड हिम, बिकॉज ही दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय बेसिकली हिज करियर, फाउंडेशन उनका बिगाड़ना चाहता था। तो यहाँ पे एक बहुत एक लिंक बैठता है, आपको बताती हूँ मैं। ये वाला कार्ड जब गॉडफादर का रीडिंग किया था तो वहां पे एक टेंथ कार्ड था, यानी कि एंड रिजल्ट पे था, जहाँ पे ये बिल्कुल इसी पोजीशन में आया था, अपोजिट डायरेक्शन में ही आया था, यानी कि
वहां पे गॉडफादर का जो इंटेंशन था, हमने बोला था कि हाउ इज दिस गाय रिलेटेड विद सुशांत डेथ, तो वो एंड रिजल्ट आया था ये वाला कार्ड, यानी कि सुशांत के जो लाइफ में सन, करियर में सन शाइन कर रहा था, उसको अस्त करना इसका इंटेंशन था, जो कि इसने पा भी लिया था। अभी अगर ये बंदे का राइट हैंड मैन का जो बात कर रहे हैं, तो ये उसका एटीट्यूड में आ गया है, यानी कि गॉडफादर का राइट हैंड मैन है। अब गॉडफादर का जो इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि सुशांत के करियर से सन को उल्टा करना है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है गॉडफादर का, ऑब्वियसली वो उसके राइट हैंड मैन का मिशन एंड विजन होगा ना, ऑब्वियसली। तभी तो आप उसके राइट हैंड मैन हो, तभी तो वो उसके एटीट्यूड में ही एक-एक नर्व्स में बैठा हुआ था। तो वो उनका जो गॉडफादर का जो विजन था, जो कि उनका आप बोल सकते हो कि उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे ये लाके दो, सुशांत के करियर का सन को बिल्कुल अस्त कर दो, तो ये बंदा बिल्कुल हाजिर हो गया जीनी की तरह, और अपने एटीट्यूड में ही उसने बोला कि ठीक है, योर विश इज माय कमांड, दिस इज हाउ आई विल बिहेव, दिस इज व्हाट माय एटीट्यूड इज गोइंग टू बी। तो ये बंदा का एटीट्यूड कार्ड है, तो दिस इज हाउ इट लिंक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइज, इट इज नॉट दैट सिंपल। तो एक कार्ड को दूसरी जगह उठा के ऐसा मत सोचो कि इट्स वेरी सिंपल टू डू इट, तो वो चीज हो गया। तो दिस इज हिज एटीट्यूड, इस एटीट्यूड से ये सुशांत के लाइफ में भी था, इसी एटीट्यूड से इसने सुशांत को मारा भी है, हिज एटीट्यूड। ऑल राइट, अभी देखो दूसरा चीज जो मैं बता रही हूँ, इनका एनवायरनमेंट बताती हूँ, मैं एक ओरेकल कार्ड दिखाती हूँ ताकि ये सारा चीज और क्लियर हो। रिसेंटमेंट और दो कार्ड दिखाती हूँ, एक तो देखो ये है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, तो ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जैसे बोला ना मैंने कि सुशांत के आसपास में ये इसके लाइफ में इसीलिए था ताकि इसको बुली करता था और इसको ह्यूमिलिएट करता था, इसको मजाक उड़ाता था एंड ऑल दोस, तो सुशांत के लिए ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप था, जिसको पता नहीं सुशांत क्यों ढो रहे थे। ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है ना, ये एक फ्रेंड के नाम पे धब्बा था और बेसिकली उनको ब्रेक कर रहा था, और ये सुशांत ये रिलेशनशिप को ढो रहे थे। बेसिकली इट वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद सुशांत, शुड हैव आइडियली कट ऑफ, बट आई डोंट नो व्हाई ही वाज बेयरिंग एंड ही वाज पुटिंग अप विद दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, ढो रहे थे ये रिलेशनशिप को सुशांत, तो ये वाला चीज बताया है मैंने। अभी ये देखो एक कार्ड है, दे हैव दिस एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज बीइंग राइट। तो ये पावरफुल लोग है ना, ये लोग जो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन जो भी है, और ये जो गॉडफादर है ये भी है, तो दे हैव दिस एटीट्यूड कि ये लोग ही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं, तुम लोग सही, तुम ही सही, तुम ही गलत हो, बाकी ये लोग सही है। तो इनका एटीट्यूड ऐसा एक एडमेंट, एक स्टबर्न एटीट्यूड है। लास्ट टाइम स्टबर्न आया था, इसमें यही चीज है, द सेम थिंग दैट दे थिंक दे आर ऑलवेज राइट, वो चीज है। और इनको एक रिसेंटमेंट था, रिसेंटमेंट कुछ ऐसा सुशांत ने किया था कि इनको लगा कि हाउ कैन यू डू दिस। अगर ये देखो तो ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली मैच कर रहा है, हाउ कैन यू डू दिस, रिसेंटमेंट, हमें गुस्सा है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड, रिसेंटमेंट एंड द होल आइडिया ऑल दैट कि ये लोग सही हैं और तुम गलत हो। तो इन्होंने सुशांत से किसी चीज के लिए खार खा लिया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था उसका डेस्टिनी, और क्योंकि दे थिंक दे आर ऑलवेज राइट, तो ये वाला चीज है यहाँ पे। और करियर से तो सुशांत के इन लोगों को काफी जलन थी ही, तो वो है। अभी इन्वायरमेंट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक कार्ड था, कहाँ चला गया, एनवायरमेंट पे इनके एक क्वीन ऑफ सॉर्ड आके बैठ गई है, एंड इट इज ब्यूटीफुल कि दो क्वीन ऑफ सॉर्ड सेम ही जगह पे आके बैठी है, वन इज इन राइट पोजिशन, वन इज इन अपराइट पोजिशन। तो सुशांत के एनवायरमेंट पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है। अब ये देखो, ये दिस इज आवर ताई, सुशांत के बारे में जब हम इस ताई का बात करते हैं तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रहती है, लेकिन जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो शी इज अ प्लानर, नेगेटिव अवतार में भी है, पॉजिटिव अवतार तो क्या होगा इसका, नेगेटिव ही अवतार में है ये, एंड शी इज बेसिकली डूइंग। तो इस बंदे राइट हैंड मैन के रीडिंग में आई है और एक एनवायरनमेंट में आई है, यानी कि ये जो राइट हैंड मैन है, ही इज नॉट ओनली वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द डेविल गाय, द डेविल जो है, बट ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ दिस ताई, यानी कि ये लोग बहुत ही क्लोज निट सर्कल हैं जिन्होंने अपना पूरा प्लानिंग किया है,
अंडर द कारपेट प्लानिंग है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। तो आप समझ रहे हो, इन्वायरमेंट में एक ऐसी शातिर आदमी को लगा के रखा था उनके। उस समय ये जो वुमन थी, ये सुशांत के वो वाले रीडिंग में जब गॉडफादर का रीडिंग किया था, तो ये उनके एटीट्यूड वाले सुशांत को के एटीट्यूड पे आई हुई थी, जो कि टैब कर रही थी। यू नो शी वाज कीपिंग अ टैब ऑन सुशांत, वेरी पैशनेट एंड वेरी फायरी एनर्जी वहां पे। लेकिन यहाँ पे अभी वो एनवायरनमेंट में शो कर रही है, यानी कि या तो सुशांत के एटीट्यूड को कंट्रोल करो या सुशांत के एनवायरनमेंट में रहो, पर उन्हीं के आसपास रह के कंट्रोल करना है, उन पे नजर रखना है। दिस इज हाउ इट इज ऑल लिंक्ड अप, इफ यू कैन अप्रिशिएट दैट। तो एनीवेज, शी इज आल्सो इन दी एनवायरनमेंट डूइंग हर पार्ट ऑफ द रोल इन द मर्डर प्लान, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट सुशांत मर्डर, हाउ दिस पर्सन इज लिंक्ड विद हिज मर्डर। तो वो चीज हो गया है। एंड ऑफ कोर्स ये सरेंडर योर फुल पावर तो है ही। तो यहाँ पे अगेन सुशांत एज अ लायन एंड दिस लेडी आ ही गई है, ये हमारी नाइट ऑफ किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है टू टेक कंट्रोल ऑफ द लायन। तो दिस इज हाउ इट ब्यूटिफुली कनेक्ट्स हियर। ठीक है, चलो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आई विल टेल यू टू थ्री मोर कार्ड्स आर देयर। ये वाला कार्ड का बात किया था ना, तो ये वाला कार्ड यूजुअली जो पास्ट में आता है आपके होप्स एंड फियर्स के साथ रीड किया जाता है, वो मैंने ये रखा, भूल गई, फिर से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। अब ये जो गॉडफादर आ गया है, ये जो बैलेंस करना चाहता है, चैरिटी में बिलीव करता है बट लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, एंड ही थिंक्स दैट ही इज ऑलवेज राइट, दिस गाय हैज टू बी रेड विद दिस कार्ड विच इज अ किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यानी कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, यानी कि आर दीज टू पीपल क्लोजली इन हैंड एंड ग्लव, या इन लोगों की मिली भगत है क्या? क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम, होप्स एंड फियर्स और पास वाला कार्ड सेम पढ़ा जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है। और यहाँ पे एक ये गॉडफादर तो आ ही गया है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ गया। अभी किंग ऑफ कप्स, आपको पता है कि किंग कम ऑफ फादर्स आ रहा है, एंड हियर ऑल्सो इफ यू सी ही इज नर्सिंग हिज ब्रोकन हार्ट। तो इसका भी किस इसको भी सुशांत से कुछ प्रॉब्लम था, सुशांत ने इसका भी पता नहीं क्या दिल तोड़ दिया था, कि इसने भी खुन्नस खा के ये भी बैठ गया था सुशांत से। तो ये दोनों होते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो दीज टू पीपल आर कमिंग टुगेदर, एंड देन दिस राइट हैंड मैन आ गया है, एंड देन दिस बुलिंग एंड एवरीथिंग हैज स्टार्टेड। तो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग लिंक्ड। तो अगर देख रहे हो तो रिसेंटमेंट है, सब लोगों को रिसेंटमेंट है सुशांत से। ये रिसेंटमेंट का कार्ड देखा है ना, द रिसेंटमेंट एंड द, तो ये पावरफुल लोग वही लोग होते हैं जो उनको लगता है कि वो सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। एंड अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो वो उसका एक बड़ा इशू बना के बैठे रहते हैं, एंड दे नेवर फॉरगिव यू एंड दे नेवर फॉरगेट, एंड दे बेसिकली सेटल द स्कोर्स एंड डू व्हाट एवर दे फील इज राइट, अपना एक लॉ बनाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये है। ऑलराइट, अभी भी काफी सारे कार्ड है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी ये सारा चीज मैंने बता दिया, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट था। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने बोला कि उनका बैलेंस बिगाड़ रहे थे, यहाँ पे एटीट्यूड एक्सप्लेन कर दिया, ये एनवायरमेंट एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी आगे जाते जाते, ये बुलिंग तो हो ही रहा है और ये सारा चीज यहाँ से आ रहा है, एम्परर से आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये एक पेज ऑफ कप आ गया है, पेज ऑफ कप एक माइनर एंगल आ गया है, ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नो वेयर। यहाँ पे ऐसा कुछ लिंक नहीं है, यहाँ पे फिर भी सारा लिंक हो रहा था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन दिस पेज इज कमिंग। ऑलरेडी सुशांत वॉज इन बुलिंग स्टेज और वो सब चीज तो कर ही रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक एक पेज आ गया है। और यहाँ पे इसका देखिए मून का कार्ड अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो एक लड़की है मून के अंदर। ओके, अगर आप उसको देखो काफी एक सैड सा फेस लग रहा है, यंग लड़की लग रही है। ये दोनों चीज है, यानी कि इसके इसका कुछ लिख नहीं बैठ रहा है कहीं से। ऑल ऑफ अ सडन दिस पेज हैज ड्रॉप्ड इन द रीडिंग इन फ्यूचर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक पेज का इंसिडेंस हो जाता है, एक माइनर इंसिडेंस ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है, आउट ऑफ द ब्लूज, नो कनेक्शन। एंड यहाँ पे हर चीज मून फेज में है, यानी कि लाइट कम है, अंधेरी रात है, कुछ क्लियरिटी नहीं है और काफी मिस्टीरियस है हर चीज। सोचने से यू विल नॉट गेट द आंसर्स, यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन टू गेट अ क्लैरिटी इन टू द होल दिस माइनर थिंग। आप बोल सकते हो या फिर एक लड़की है, कुछ तो हुआ है, अचानक से हुआ है, दिमाग से कुछ, इट मेक्स नो सेंस, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज हैपेंड, बट यू विल हैव टू लिसन टू योर
इंट्यूशन टू गेट आइडिया इनटू दिस, बिकॉज हियर देयर इज अ लॉट ऑफ सीक्रेसी. एक मून का कार्ड है, मून फेस चल रहा है, और यहाँ पे आपको सोचने से आइडियाज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ फील करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगा. दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू हैव टू बी गाइडेड बाई योर इंट्यूशन टू डू दिस थिंग. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन स्टफ्स अराउंड दिस थिंग, अराउंड दिस पेज ऑफ कप्स, व्हिच इज ऑल हिडन एंड नोबडी नोज अबाउट इट. ठीक है, तो इट्स ऑल हिडन, यही बताना चाह रही हूँ. थोड़ा सा कुछ पता है, बट बहुत सारा सबकॉन्शियस में हिडन है. तो ये सारा एक एस्पेक्ट आके सुशांत के ऑलरेडी एक बुलीड लाइफ जो वो लीड कर रहे थे उससे आके ऐड हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस एम्परर, किंग ऑफ कप्स, वन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड टेकिंग हिज पावर, एक गाय जो इज हेल बेंट ऑन स्पॉइलिंग हिज करियर, एक डेविल, ये सारे लोगों के साथ एक ये एंगल ऑल ऑफ अ सडन आके सुशांत के केस से ऐड हो गया. अब देखते हैं क्या होता है. अब देखो एक और एक लेट लेट 10th कार्ड पे एक ये है, एक नाइट ऑफ कप्स इन अपोजिट अवतार में है, जो कि अपने इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, लोग है ना, उनमें ये सारे फेक लोग जो प्लांट किए हुए थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनमें एक हमेशा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखता है. कभी वो 8 ऑफ कप्स आ जाता है, कभी ये 4 ऑफ कप्स आ जाता है, कभी किसी का इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा है, किसी का डबल है. तो इस तरह से ये बंदा भी, ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू मेक हिज करियर, ओके, ही इज वेरी होपफुल अबाउट हिज करियर, बट ही फील्स होप, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट. नाइट ऑफ कप्स में है, होप्स है, बट सम हाउ ही फील्स दैट ही इज नॉट एबल टू डू इट. या फिर दिस गाय इज बेसिकली योर गॉड चाइल्ड है. इसका मैंने बोला था ना कि मैंने एक और भी रीडिंग किया था, तो वहाँ जो रीडिंग मैं बना नहीं पाई थी, तो वहाँ से भी सारा इंसाइट्स ला के मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको. अगर वो इंसाइट्स चाहिए होगा तो आप बोलना, मैं उसका बना दूंगी, क्योंकि वो वीडियो नहीं बना पाई थी. एनी वेज, दिस गाय इज डिससेटिस्फाइड विथ वॉट एवर इन हिज लाइफ. तो दिस गाय इज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड इन हिज लाइफ, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अ वन एंगल ऑफ द होल प्लान. ठीक है, ये है. तो ये सारा चीज जो हो रहा है यहाँ पे, और सारा चीज जो यहाँ पे हो रहा है उसके कारण क्या हुआ कि कॉन्शियस लेवल में ऐसा हुआ, फाइनली ऐसा हुआ इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि कॉन्शियस लेवल में सुशांत वॉज नॉट एबल टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट एबल टू डिफेंड. ठीक है, अब यहाँ पे ये दिस इज बैक्ड बाई अ नाइट, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा में. अब ये देखो, ये वाला कार्ड को मैं गॉडफादर वाले कार्ड से एक्सप्लेन करूंगी, जहां पे ये कार्ड जो था, ये दोनों कार्ड बैक ऑफ द डेक में थे. ये छोटे वाले डेक के बैक में था और ये वाला तो बड़े वाले डेक के बैक में था, जहां पे ये जो गॉडफादर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी ख्वाहिश क्या थी कि सुशांत को ऐसे पोजिशन में ला दो जहाँ की वो अपने नाइट ऑफ वॉन्स जो है, जो कि फिल और ब्रिमिंग विद एनर्जी है, जो कि फाइट कर सकता है किसी के साथ, उसको इस पोजीशन में लाना है कि वो अपने लिए फाइट नहीं कर पाए. ठीक है, तो उन्होंने इस सारे चीज को करके ऐसा सिचुएशन में ला भी दिया. ठीक है, और वो मैंने बोला था कि ये बाकी सारे सिचुएशन जो उनके लाइफ में पहले से प्ले हो रहा था, तो वो उसको तो डिपिक्ट करता ही है ये गाइडेंस, बट उस दिन जो फाइनली हुआ था, जहां पे वो फाइनली ही वॉज ओवर पावर्ड बाई 7 to 8 पीपल एंड ही वॉज ब्रूटली किल्ड, उसको भी डिपिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ही दिख रहा है कि ही इज नॉट एबल टू फाइट फॉर हिमसेल्फ. और ये वाला बात भी आया है कि दिस गाय हैड हिट हिम एट द बैक ऑफ द नेक एंड ही डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो भी है. तो ये वाला कॉन्शियस लेवल पे कार्ड आ गया है, यानी कि दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एट अ वेरी कॉन्शियस लेवल. कॉन्शियस लेवल क्या होता है, जहाँ पे हम बातचीत करते हैं, सोते हैं, जो भी हमको कॉन्शियसली पता होता है वो कॉन्शियस लेवल है. तो ये कॉन्शियस लेवल का कार्ड है, यानी कि दिस वॉज एक्चुअली हैपनिंग एट अ फिजिकल रियल उस दिन, जहाँ पे ही वॉज ओवर पावर्ड बाई 7 to 8 पीपल एंड ही वॉज नॉट, ही कुड नॉट फाइट बैक. पहले का जो प्लानिंग है हैज रीच्ड इट्स क्रिसेंडो, वेयर फाइनली एक माइनर भी आ गया है, देखो उस दिन. ठीक है, तो ये चारा सारा चीज है, ये वाला एस्पेक्ट भी आके जुड़ गया, यानी कि जब ये वाला चीज कॉन्शियस लेवल पे हुआ, तो दिस पार्ट ऑल ऑफ अ सडन हैड अपियर्ड इन सुशांत लाइफ, आके आके स्टक कर गया था, यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ द होल थिंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है सुशांत के ये वाले कंडीशन के लिए. एंड फाइनली समबडीज विश वॉज फुलफिल्ड. मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि किसी का ख्वाहिश ही यही है, एक विश फुलफिलमेंट ही यही है कि आप उनको ब्रेक कर दो. तो कॉन्शियस लेवल में ये जो उनका, आप ये जो जीनी है, गॉडफादर का जो जीनी है, ये सारा चीज जो उसने अपना मकसद बना लिया था, हिज विश वॉज हिज
कमांड, तो ये सारा चीज वो कॉन्शियस लेवल में ही इज अपने आका के लिए वो पूरा कर रहा है, उनका विश फुलफिल कर रहा है और उनको बिल्कुल ब्रेक कर रहा है ऐसे करके। तो दिस इज हाउ इट इज। और वरी तो डेफिनेटली ये लोगों को है ही, वरी करते थे काफी, वरी था इनको, प्रॉब्लम ही था सुशांत से। और सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, तो इस तरह का काम करने के बाद एक्चुअली सुशांत का करियर जो अच्छा चल रहा था, तो इससे ये लोगों को काफी चिंता था और काफी नींद उड़ी हुई थी। ये वाला बात मैं इसी रीडिंग से नहीं बोल रही हूँ जो मैंने बोला कि मैंने इस बंदे का, ये जो डेविल है दिस पंचोली गाय, इसका मैंने एक और रीडिंग किया था जो कि मैंने बना नहीं पाई थी, तो उससे काफी इंसाइट्स मिला था कि ये बहुत इनसिक्योर है और इसका अपना सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो सरेंडर टू सक्सेस वाला कार्ड आया था, इनसिक्योरिटी वाला कार्ड आया था ये वाले डेक से, और सेंटर में बहुत अच्छा सा कार्ड आया था कि नाइट ऑफ कप्स है जो कि स्ट्रगल कर रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, पर व्हाट इज क्रॉसिंग हिज पाथ इज कि उसका चैरियट जो है, उसकी जो करियर का गाड़ी है उल्टा हो गया है, चैरियट का कार्ड उल्टा आ गया था। यहाँ पे जो कार्ड होता है ना सेंटर में जो एक दूसरे को क्रिस करते हैं, तो वहां पे ये वाला कार्ड बता रही हूँ कि वो नाइट ऑफ कप्स है, चाहता है कि वो अपना करियर को आगे बढ़ाए। टू ऑफ वॉन्स का कार्ड था वहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू मेक हिज करियर वर्क। इट वॉज क्रिस क्रॉस्ड बाई चैरियट विच वॉज बैक्ड बाई अगेन नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि दो नाइट ऑफ कप्स आ गए थे, यानी कि काफी होपफुल है अपने करियर को बढ़ाने के लिए, बट उसका करियर का गाड़ी जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिसके कारण काफी रिसेंटमेंट, काफी फ्रस्ट्रेशन, काफी एक जेलसी, एक लो एस्टीम, लेफ्ट सेल्फ एस्टीम भी इस बंदे में काफी था, एंड दैट इज वाई द होल प्लान। तो दो कार्ड का आपको मैंने इनसाइट्स इसमें बताया है, इसका तो बताया ही है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैन है जो गॉडफादर का, उसका भी बताया है, जो डेविल है उसका जो पहले का रीडिंग से भी कंपेयर करके बताया है, और गॉडफादर के रीडिंग से भी कनेक्ट करके मैं ये सारा इनसाइट्स दे रही हूँ। 29 मिनट्स हो गया है, तो दैट इज ऑल आई हैव गाइस, काफी डिटेल। डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द गाइडेंस। यू कैन ऑलवेज चूज टू रेजोनेट एंड नॉट रेजोनेट, दैट इज द वेरी एसेंस ऑफ टैरो गाइडेंस। आपको अच्छा लगे तो भी अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो भी अच्छा, इट्स एवरीथिंग इज फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई सी यू अगेन।